वाइटिंग एंटरटेनमेंट की होली के रंग श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे हर्ष उल्लास और रंगों के त्यौहार होली की। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना आरंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन एरंड या गूलर वृक्ष की टहनी को गांव के बाहर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है और उस पर लकड़ियां, सूखे उपले, खरपतवार जैसी चीजें चारों ओर एकत्र की जाती हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की रात या सायंकाल इसे जलाया जाता है। होली का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले खास तौर से शामिल होते हैं। कई जगहों पर होलिका में भरभोलिये जलाने की भी परंपरा है। भरभोलिये दरअसल गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल गई। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होली का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांवों में लोग देर रात तक होली के दिन गीत गाते हैं, नाचते हैं। होली से अगला दिन धूली वंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बच जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज और गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। होली के दिन घरों में खीर पूरी और पूड़े आदि विभिन्न पकवान पकाए जाते हैं। इस अवसर पर तमाम तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें गुझियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए और खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं। कहीं कहीं रंगोत्सव अष्टमी तिथि तक मनाने की भी परंपरा है। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। फाल्गुन के माह रंग भरनी एकादशी से सभी मंदिरों में फाग उत्सव आरम्भ होते हैं, जो दौज तक चलते हैं। दौज को बलदेव यानी दाऊ जी में हुरंगा होता है। बरसाना, नंदगांव, जाव, बठैन, जतिपुरा, आन्योर जैसी जगहों में भी होली खेली जाती है। ये ब्रज का विशेष त्योहार है। यूं तो पुराणों के अनुसार इसका संबंध पुराण कथाओं से है, और ब्रज में भी होली इसी दिन जलाई जाती है। इसमें यज्ञ रूप में नवीन अन्न की बालें भूनी जाती है। प्रहलाद की कथा की प्रेरणा इससे मिलती है। होली दहन के दिन कोसी के निकट फालैन गांव में प्रहलाद कुंड के पास भक्त प्रहलाद का मेला लगता है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है, जो होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव या काम महोत्सव भी कहा गया है।
इतिहासकारों का कहना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर ये पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख हैं जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से सैकड़ों वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आबे पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिर की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र देखते ही बनता है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय बसंत रागनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य गीत साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य गीत और रंग खेलने में व्यस्त हैं। वो एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही है और इन सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही हैं। दशकुमार चरित में होली का उल्लेख मदन उत्सव के नाम से किया गया है। बसंत काम का सहचर है, इसीलिए बसंत ऋतु में मदन उत्सव मनाने का विधान है। हमारे यहाँ काम को देवी स्वरूप प्रदान कर उसे कामदेव के रूप में मान्यता दी गई है। होली का त्योहार हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ये पर्व आशा, आकांक्षा, उत्साह और उमंग प्रदान करता है और मनोरंजन उल्लास के साथ आनंद देकर हमारे जीवन को सरस बना जाता है। मानव के जीवन में आनंद, उल्लास, मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करती होली को वसंत ऋतु का यौवन काल भी कहा गया है, यानी ग्रीष्म के आगमन का सूचक। ये नवान्न वेष्ठ यज्ञ भी कहलाता है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्राचीन आर्यजन नए गेहूं और जौ की बालियों से अग्निहोत्र का आरंभ करते थे। कर्मकांड परंपरा में इसे यव ग्रहण यज्ञ का नाम दिया गया। अनाज की बालियों को संस्कृत में होलक कहते हैं। देश के उत्तरी भाग में आज भी चने की भुनी बालियों को होला कहते हैं। बसंत में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। फल फूलों की नई सृष्टि के साथ ऋतु भी अमृत प्राण हो जाती है। इसीलिए होली के पर्व को मनवंतराम भी कहा गया है। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था
और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ कहा गया। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का आरंभ भी हो जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव संवत का आरंभ और वसंतागमन का प्रतीक है। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की होली के रंग श्रृंखला की इस कड़ी में हमने बात की हर्ष उल्लास और रंगों के त्योहार होली की। होली के विविध रंगों से सजी इस सीरीज के बारे में अपने विचार जरूर लिखें और हाँ, वाइटिंग एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हैप्पी होली।